1 अप्रैल 2024 से भारत सरकार ने बहुत सारे नियमों में परिवर्तन किया है, लेकिन कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं उन सभी के बारे में आज समझते हैं। विकलांग व्यक्ति जो पहले जिनके सर्टिफिकेट बने हुए थे, जिन लोगों को डिसेबिलिटी के पहले सर्टिफिकेट ऑफलाइन बने हुए थे, मतलब ये है कि जो कागज के ऊपर बना हुआ था वो सभी जितने भी सर्टिफिकेट है वो अब मान्य नहीं रहेंगे, तो उन्हें आपको नया सर्टिफिकेट यानी कि ऑनलाइन आपको बनाना रहेगा। किस प्रकार से बनाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर पोर्टल दिया गया है, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड। इस प्रकार से आपका एक कार्ड बनेगा, तो इसकी प्रोसेस क्या रहेगी यहाँ पर देखते हैं। आपके सामने पूरी जानकारी ऐसे भरना होगा, जैसे यहाँ पर आपका नाम आपको टाइप कर देना है, वो भी इंग्लिश में। यहाँ पर आपको हिंदी में नाम टाइप कर देना है, यहाँ पर आपका फादर का नाम टाइप कर देना है, यहाँ पर आपका मदर का नाम टाइप कर देना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको टाइप कर देना है। इसके बाद में जो आपकी जीमेल आईडी उसे यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर टाइप करना है और जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जैसे ST SC OBC जो भी है, जनरल है, इनमें से जो भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप क्या है आपका उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है कि सेलेक्ट रिलेटेड पर्सन PWD, मतलब ये होता है कि दोस्तों जैसे कोई गर्ल्स है या फिर बॉयज है, अगर बॉयज है तो फादर आएगा, और अगर गर्ल्स में भी है और अगर उनकी शादी नहीं हुई है, या फिर अगर शादी हो गई है तो हस्बैंड का नाम आएगा, और अगर शादी नहीं हुई है तो फादर का नाम आएगा। तो जो भी नाम है यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर गार्जियन का मतलब होता है कि आपका देख रेख कौन करता है, उनका आपका यहाँ पर नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो कॉन्टेक्ट नंबर होता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है गार्जियन का, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फोटो है उसे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको फोटो प्रीव्यू दिखने लगेगा, ठीक है। साइज की बात करें तो 15 से 100 KB तक आप अलाउ है, उसमें इससे ज्यादा का जो है फोटो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखने लगेगा। और बात करते हैं साइज की, तो 3 से लेकर के तो 30 KB तक आप फोटो का साइज दे सकते हैं। यहाँ पर परिवार की आय आपको दिखाना रहेगा, कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं उसकी एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देना रहेगा। आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, यानी कि आप अभी कुछ काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयड में आते हैं, अगर कुछ नहीं करते हैं, हाउस वाइफ हो या फिर घर पे रहते हैं तो आप अनएम्प्लॉयड में आएंगे। बात करते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ की। आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कुछ भी जो जो आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। जैसे हमारे पास आधार कार्ड है तो हमने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया। साइज की बात करें तो 10 से लेकर के 500 KB तक आप अपने आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है उसकी साइज ले सकते हैं। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है, एग्री करके इसे आगे बढ़ाएंगे यहाँ। अब यहाँ पर बात करते हैं करेस्पोंडेंस एड्रेस की। बात करें तो यहाँ पर आपको जो आपने प्रूफ लगाया था ऊपर, सेम वही का वही यहाँ पर लगाना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड भी करना रहेगा, सेम साइज रहेगी 10 से लेकर 500 KB तक की। यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसे पूरा आपको टाइप करना रहेगा आधार कार्ड के अनुसार, कौन सा स्टेट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तहसील आपकी क्या है, इसके बाद ब्लॉक कौन सा लगता है और पिन कोड क्या लगता है, ये सब आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर तहसील सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में जो ब्लॉक लगता है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ऐसा प्रॉपर पूरी तरह से फिल करना रहेगा। अब बात करते हैं डिसेबिलिटी की डिटेल की। तो डिसेबिलिटी में बहुत सारी इसमें अलग अलग डिसेबिलिटी की टाइप दी गई है, जैसे एसिड अटैक विक्टिम हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखो तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, लो विजन हो गया, मेंटल इलनेसनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी है। तो इनमें से आपका कौन सा है आपको च्वाइस करना है, ये आपके अनुसार ही आपको लेना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे विकलांगता अगर आपके पैरों की है, हाथों की है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, उसको आप लोकोमोटर में ले सकते हैं, यानी कि पैरों की जो डिसेबिलिटी रहती है उसे लोकोमोटर लिया जाता है। अगर दिखने में आपको कोई दिक्कत आती है, ब्लाइंडनेस में आता है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर च्वाइस कर लेना, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर डिसेबिलिटी ड्यू टू, मतलब कौन से उसमें आते हैं, एक्सीडेंट के कारण से डिसेबिलिटी है, या फिर आपका किसी बीमारी के कारण से है, या फिर कोई इन्फेक्शन के या फिर मेडिसिन के किसी भी कारण से जो है वो दिखाना आपको। जैसे पोलियो के कारण से अगर आपकी डिसेबिलिटी आई है तो आपको डिसीज में लेना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे डिसेबिलिटी बाय बर्थ, ठीक है, मतलब कब से आपको बर्थ से यानी कि जन्म से ही आपको डिसेबिलिटी है, या फिर अगर उसका सीन कब से कब तक का है तो आपको टाइम यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। अगर आपका जन्म से ही प्रकार है तो आपको यहाँ बर्थ वाला ऑप्शन के ऊपर टिक लगा देना है। डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इसका, तो इसे यस करेंगे, सर्टिफिकेट होगा उसे अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं कि आपके जो सर्टिफिकेट है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। इसके बाद में 10 से लेकर 500 के बीच तक आपको उसका साइज रहेगा, यहाँ पर नंबर रहेगा, यहाँ पर कब इश्यू है वो आपको दे देना है, किसने अथॉरिटी दी है उसके बारे में पूरी जानकारी देना है,
और कितनी परसेंटेज उसमें दिया गया उस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आपको फिल कर लेना है, तभी आपका जो है प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर किस हॉस्पिटल के द्वारा आपको सर्टिफिकेट दिया गया उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, हॉस्पिटल कौन सा है उसकी डिटेल आपको दिखाना है, इसके बाद में यहाँ पर प्रकार इसको दिखाना रहेगा, नाम कौन सा है वो भी दिखाना रहेगा। ये सब कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कैप्चा वाले ऑप्शन में यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, क्लिक हियर करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों जो हमने प्रोसेस किया है वो आपके सामने पूरी डिटेल आ चुकी है, यहाँ पर आपका नाम हो गया है दोनों जगह, इसके बाद फादर नेम, मदर नेम, मेल फीमेल कैंडिडेट, यहाँ पर जीमेल आईडी, इसके बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है कौन सी कैटेगरी है, इसके बाद ब्लड ग्रुप क्या है, इसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जो बंदा जो भी व्यक्ति आते हैं यहाँ पर देखेंगे कि जो फादर है उनका मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ पर देना है, इसके बाद में यहाँ पर उनका नाम भी लिखना है, यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फोटो और सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा है। ऐसे ही आपको एड्रेस भी आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर आपने जो एड्रेस जो फिल किया था दोनों जगह आपका एड्रेस की जानकारी, यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की जानकारी कि जो आपकी कौन सी डिसेबिलिटी में आते हो, कौन से ऑफिसर ने आपको अथोराइज किया, कौन सी आपकी डिसेबिलिटी की कैटेगरी है उससे, और कब से कब तक की डिसेबिलिटी है वो, किसने कौन से हॉस्पिटल ने इसे जारी किया है, सब कुछ आपके सामने यहाँ पर दिखने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद में किसी कारण से अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर जा करके अपना जो फॉर्म है उसमें एडिट कर सकते हैं। और कंफर्मेशन के बाद में यहाँ पर जैसे कंफर्म और इसमें यहाँ पर आप जाएंगे तो इसमें आपको इन सभी के ऊपर चेक लगाना होगा, जैसे एप्लीकेशन फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब कंप्लीट है और सही है, ठीक है, कैपिटल में भरा है। इसके बाद में जो आपका रीजनल लैंग्वेज है वो कौन सी है वो भी सही भरी है, ऐसा सभी को चेक मार्क लगाना, पढ़ पढ़ के लगा देना आप जो भी है, ठीक। ये हमने यहाँ पर कर दिया है, हमने जो प्रूफ लगाया वो भी सही था, इसे यस करेंगे, जैसे आप यस करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी, थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर एनरोलमेंट नंबर, ये आपका एनरोलमेंट नंबर है, यहाँ पर एप्लीकेशन आपकी जो है उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो स्लिप है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो स्लिप डाउनलोड की है उसका आपका पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जब तक दोस्तों आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड होकर नहीं निकल जाता, इस स्लिप का आपको बहुत ही इत्मीनान से संभाल के रखना है, क्योंकि आपका जो कार्ड है उसका नंबर यही रहता है, ध्यान रखिएगा, इसी नंबर से आपका कार्ड निकलेगा, तो आप वापस से हम इसे कैसे संभालेंगे। अब यहाँ पर जो आपकी स्लिप है वो दोनों चीजें आपके सामने दिखने लगेगी। अब यहाँ पर कार्ड आपके जो ये फॉर्म है उसे आप कैसे चेक कर पाएंगे, तो यहाँ पर इस नंबर को आपको कॉपी कर लेना है, एंड देन यहाँ से हम यहाँ पर ऑप्शन लिखा है एप्लीकेशन लॉस्ट, ये अगर आपकी आईडी पहले से कहीं बनी हुई है और अगर लॉस्ट हो गई तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में जो हमने यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन में आपको जो नंबर मैंने अभी कॉपी करवाए हैं वो आपको यहाँ पर आपको सबमिट करना है, गो वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, इसके बाद में यहाँ पर आपका स्टेटस दिख लेना है, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, मे बी कॉन्टेक्ट डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट मेडिकल अथॉरिटी फॉर फर्दर एक्शन, यानी कि जो आपने जो प्रोसेस किया है उसके ऊपर अभी कुछ एक्शन नहीं लिया गया, प्रोसेस चल रही है, जब भी आपकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पर आपके सामने दिखने लगेगा। अब डाउनलोड कहाँ से होगा वो देख लीजिए, डाउनलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड ई डिसेबिलिटी कार्ड एंड ई यू डी आई डी कार्ड, ठीक है, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो सेम वही प्रोसेस, यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका जन्म तारीख और यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डालने के बाद जैसे इसे लॉग इन करते हैं जो आपकी एप्लीकेशन है उसे आप जैसे आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो कार्ड डाउनलोड वाली प्रोसेस अभी नहीं आएगी, कारण क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता जब तक आपका कार्ड डाउनलोड नहीं होगा, कुछ समय का वेट कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो दिख रहा है एक्सपायरी डेट, यहाँ पर आपको जो है कुछ जो नई डेट है वो दिखने लग जाएगी आपको, और यहाँ पर आपका कार्ड वाला ऑप्शन डाउन। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद आप सभी का, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ रहे।